1 2 3 ओके गुड मॉर्निंग क्लास। हाय आई एम आशीष मिश्रा, आई एम टीचिंग मैथ्स ऑफ क्लास 9 डियर कैंडिडेट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज 2.2। नाउ आई एम आल्सो डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.2। आज भी मैं 2.2 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। कुछ कंडीशंस रहने थी, उसको आज मैं क्लियर कर देंगे, करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि हेल्प फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है, क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। आपको बताना है कि एक कॉलम में आपको px दिया है 3x+1, ओके, और इधर कंडीशन आपको दी है x = -1/3। आपको इस कंडीशन, इस क्वेश्चन में ये बताना है क्या x = जो माइनस का 1/3 दिया है, क्या ये इस पॉलीनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो डियर कैंडिडेट्स, किसी भी टर्म को जीरो हम कब कह सकते हैं, जब x की वैल्यू हम px यानी पॉलीनोमियल में रखने के बाद अगर हमारा पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये x जो होगा टर्म इसका जीरो कहलाएगा, अगर जीरो नहीं आती है तो जीरो नहीं कहलाएगा। सपोज रखते हैं x = -1/3 है, तो इस पॉलीनोमियल में रखते हैं px में, तो x की जगह -1/3 रखा +1, तो 3 यहां से कैंसिल, तो रिमेनिंग -1 + 1, यानी यहां पर p -1/3 की वैल्यू यहां से आप क्या लिख रहे हो, -1 + 1 कैंसिल, जीरो आ गया। तो इसका मतलब वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि x = -1/3 इस पॉलीनोमियल का जीरो कहलाएगा। ओके डियर कैंडिडेट्स, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा कि सपोज करिए सेकंड टर्म आपको दिया है कि px = x²-1 और आपको वैल्यू दो दी हैं, एक प्लस वन दी है, एक माइनस वन दी है। तो सबसे पहले हम प्लस का वन रखेंगे, तो जब प्लस का वन रखेंगे तो p1 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी 1 - 1 0, यानी p1 की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब 1 जो है इस पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा। अब दोबारा कंडीशन -1 रखते हैं, तो जब p-1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर +1 1 - 1 ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब -1 भी ये पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। एक फोर्थ पार्ट देख लीजिए, इसमें आपको फाइंड द जीरो, जीरो निकालना है, कब निकालना है, जब एक पॉलीनोमियल दिया है px = x+5। ओके, सो जीरो निकालने के लिए x + 5 = 0 किया, तो x = कितना आ गया, यहां से -5 आ गया, यानी x की जीरो इसका क्या कहलाएगा, -5। दूसरी कंडीशन आपको दी है, सपोज करिए px = x - 5, जीरो निकालने के लिए x - 5 = 0 किया, तो यहां से x = 5 आ गया, यानी x = 5 इसका जीरो कहलाएगा। तो आई होप यू आर कैचिंग माय व्यूज वेरी वेल। यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।